कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो ये ना आज कल ना मेरा ट्राईपॉड जो हुआ है ना खराब, तो अभी ये मुझे लेने जाना पड़ेगा नया। तो आज जी मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगी। पहली आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। उसके लिए प्याज और लहसुन को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था बाजार जाने से पहले। तो चिकन को अब धो लिया, चिकन को धो के ये तकरीबन 1 किलो है, उसको डालती हूँ कढ़ाई में, यानी कि अपने पतीले में अच्छे से ब्राउन करके कर गई थी मैं जाते हुए। तो इसको अब थोड़ा सा ढक्कन देके बंद करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। और आपको दिखा देती हूँ मसाले। नमक हस्बे जरूरत, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, घर का गुठा पिटा गर्म मसाला 1 टेबल स्पून, 3 बड़ी इलायची और 3 अदद बड़े बड़े टमाटर। तो अब मैं इसको जरा पकने देती हूँ। इतनी देर में हम अपनी तारी के पकौड़ों का प्याज और आलू भी काट लेते हैं। तो और सुनाएं कैसी गुजर रही है सबकी, क्या हाल चाल है। बिजी बिजी दिन, शुक्र है थोड़ा सा ना मूड जो है अब थोड़ा बेटर होना शुरू हो गया, बिकॉज अब गर्मी सेटल हो गई है। तो बस जी रमजान मुबारक भी थोड़ा सा ही रह गया है। हम अल्लाह के मेहमान बने थे, रमजान हमारा मेहमान बना था, तो बस थोड़ा ही रह गया, थोड़े से दिन रह गए हैं। आज का मेरा डे ऑफ, तो मैंने सोचा चलो। अच्छा जी, आलुओं को ना मैं पकौड़ों में लंबाई में काटती हूँ, इससे पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ओवर आप बेसन कम डालते हो तो फिर बड़े क्रंची क्रंची से लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे चिप्स खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लंबाई में मैं काटती हूँ। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली से भी बातें हो जाएं, साथ में कुकिंग भी हो जाए, साथ में आपको दिखाऊं, आपको दिखाऊंगी कि मैं लेके क्या आई हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में मैं ये कर लूँ। सबसे पहले आपको शॉप दिखाऊंगी कहाँ मैं गई थी, कहाँ से लेके आई हूँ, फिर आपको ना दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी लेसन लेके आई हूँ, तो वो सारा आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में मैं ये पकौड़ों के आलू काट लूँ। तो चलो आप लोगों को पहले वो वीडियो दिखा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आई हूँ लेस लेने आई। कोई बात नहीं, मैसे ही होती है शॉप पे, सेल भी लगी है इस पे। बिजी बिजी ईद की वजह से बिजी है ना, तो मैं यहाँ से लूँगी जी लेसें अपनी वाइट में या क्रीम में। ये वाइट क्रीम मिक्स ही है, ये बड़ी सारी दुकान, ये ले कौन से वाली है। अच्छा ये वाली तो हो गई, ठीक है। और दूसरी वाली जो मैंने दिखाई है कॉटन वाली, कॉटन वाली कौन सी, ये वाली, ये देख लो ये वाली, और ये वाली, ये वाली भी दिखाओ। कोई बात नहीं, जो दिखाओगे वो दुर्गा की शॉप पे आपको मिल जाएगा। सेम 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 हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे दुर्गा के पास हर तरह की लहसुन होती है, रश भी बहुत होता है, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडियन हर किस्म की, आप कोई भी डिज़ाइनर दिखाओ ना आपको हर तरह की लैस मिलती है। ये वाली लैस मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये मैं दुपट्टों को लगाती हूँ, तो अभी मैंने फिर ली है दुर्गा से। हर तरह की आपको मिलेगी इसके पास, कभी कंप्लेन नहीं। अभी तो इसने कपड़े भी रखे हुए हैं, स्टिचिंग भी करती है पीछे, हर काम हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। रश भी इसीलिए होता है। अच्छा जी, पकौड़ों का भी मैंने बेसन हर चीज़ डाल ली है, तो अब इसको बस मिक्स ही करना है। तो उतनी देर में चिकन ने कलर चेंज कर लिया, तो अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे। इसमें
जो आप लोगों ने लेस वाली शॉप देखी है मुझे बताना कैसी लगी। अभी मैं लेसें भी आपको आगे पर दिखाऊंगी कि मैं कौन सी लेके आई हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं ना सारे मसाले भी साथ ही ऐड कर दूंगी। 5 मिनट के लिए ना ढक्कन बंद करके गलने के लिए रख दूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। वो पाउडर मसाले जो डाले हैं वो भी अच्छे से उनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो मैं अपनी देर में अदरक लगा ले आती हूँ। अदरक को लंबाई में काट लेते हैं और अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से बातें कर लेते हैं। जी, अदरक को भी लंबाई में अच्छे तरीके से काट लेते हैं क्योंकि ये एंड पे फिर ना मैं दम पे ही डालूंगी धनिए के साथ, बिल्कुल जिस तरह आलू काटे हैं ना उसी तरह लंबाई में अदरक को भी काट लूंगी। फिर ना इसे देखने में हांडी बड़ी अच्छी लगती है। पता प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो खाने वाले बंदे का दिल करता है खाने को। मुझे ये होता है कि हर चीज को अच्छे तरीके से सलीके से सामने वाले के सामने रखो, चाहे उसमें टेस्ट कम हो लेकिन देख के उसका दिल जो है ना खाए बगैर रह ना सके। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से पकी हुई चीज जो होती है वो बंदे को अच्छा टेस्ट देती है। तो अदरक हमारा कट गया, अब इसको फिर दोबारा से देख लेते हैं। अभी इसको मैं भून लूंगी अच्छे तरीके से। मैं ना कैमरा करके आपको नजदीक इसका इसकी शक्ल दिखाती हूँ भूनते हुए ताकि आपको ना नजदीक से हांडी मेरी अच्छे तरीके से नजर आए। इसको भूनते हुए मैं चाहे नजर आऊँ ना हांडी अच्छे से आपको नजर आनी चाहिए। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए भून लूंगी। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ती और अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तो अच्छे से भून लूंगी, अच्छे अच्छे तरीके से भून लूंगी। अच्छा जी, हांडी को मैंने अच्छे से भून लिया, आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। वेदर बहुत अच्छा, आज गर्मी गर्मी है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं गार्डन में। देखिए अभी आपको इसकी क्लोज लुक दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से मैंने लिया इसको भूनना फोलना कढ़ाई को, ऑयल निकल आया। अब इसमें मैं डालूंगी जो हमने लंबाई में अदरक काट के रखा हुआ और हरा धनिया, पानी इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, कढ़ाई में पानी तो वैसे नहीं डालते नहीं हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हरा धनिया और फिर ऊपर से डालेंगे मुझे हांडियों में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होता लेकिन मुझे लगता है कि हांडी में हरा धनिया नहीं है तो हांडी में कोई बात ही नहीं है। ये देखिए नहीं हरा धनिया और ऊपर से सूट पाओ चिंगे तरीके से। मैं आपको बैक कैमरा करके इसको दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कढ़ाई की शक्ल कितनी माशाल्लाह से प्यारी है। तो बस अभी इसको मैं दम पे करूँगी, दम पे करके तो बस जी हमारी कढ़ाई रेडी है। हल्की सी आंच करके ना 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और आपको दिखाती हूँ लहसुन। रख दिया है दम पे 5 मिनट के लिए और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं लहसुन कौन सी लेके जो इसमें लगी हुई है ना एग्जैक्ट मैं वही लेके आई हूँ।
और आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, ये वाली लैस मैंने पाकिस्तान में बहुत ढूंढी, जो मेरे उस दिन ब्लू दुपट्टे पे आप सब ने बहुत पसंद की थी, तो ये मैं ले आई हूँ किसी दुपट्टे को लगाने के लिए। एक तो लेके आई हूँ ये 8 मीटर ये वाली ली है, ये पाकिस्तान में मुझे इस दफ़ा कहीं से मिली नहीं, और मुझे चाहिए थी मल्टी कलर की पाइपिंग इस वाइट कमीज़ के लिए, क्योंकि इसका दुपट्टा आप लोगों को दिखाया था। तो ये वाली मुझे मिली है जिसपे मल्टी पिको, शायद पिको टाइप की हुई है, तो ये वाली मैंने ली है जी 5 मीटर पाइपिंग, और ये लेस लगी हुई है उस कमीज़ के नीचे, ये कॉटन की लेस है, ये ख़राब नहीं होती, तो ये वाली उस कमीज़ के नीचे लगी हुई है, तो इसलिए मैं ये वाली लेके आई हूँ। इस शॉप पे आप कोई सा भी डिज़ाइनर सूट ले जाएं, जो उस पर ओरिजिनल चीज़ लगी होगी वो आपको निकाल के दे देती है। इसके पास सारी वो चीज़ें होती हैं दुर्गा के पास। दुर्गा जो है तो माशाल्लाह से हिंदू, लेकिन बहुत अच्छी है, कराची की है, तो इसके पास हर किस्म की लेस, हर चीज़ होती है। तो ये लेके आई हूँ मैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर दूँ, कि अगर किसी ने अभी ईद आ रही है, इतना रश था उसकी शॉप पे, आपने वीडियो तो देखी होगी, मैंने थोड़ी सी बनाई, इतना रश था कि आपको बता नहीं सकती, तो लेकिन फिर भी चले शुक्र है अल्लाह का, जो काम करने गई थी वो मेरा काम कंप्लीट हो गया, जो लैसे मुझे चाहिए थी वो मिल गई, ले आई, तो ये आप लोगों को भी दिखा दिया। ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरी कढ़ाई भी, मेरी लैसे भी। तो जिस दिन ये सूट की कटिंग करूँगी आपके सामने ही करूँगी, और स्टिच भी करूँगी। तो चले जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आपका वक्त मेरे साथ होते हो, तो लव यू माई ऑल फैमिली, इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफाकी, तो कल आपके सामने फिर आपकी रमापी आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। रखिएगा अपना अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़ हो।